आज मेरे किचन में बनेगी पहाड़ के स्वाद के साथ प्रोटीन से भरपूर रेसिपी यानी सोयाबीन की चुड़कानी। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए बनाते हैं आज सोयाबीन की चुड़कानी। इसके लिए हम ले लेंगे यहाँ पर सोयाबीन। ये देखिए मैंने ली है सोयाबीन। बिल्कुल ऐसे ही सोयाबीन की तरह ही एक काले रंग की दाल होती है पहाड़ में, जिसे कि भट कहते हैं, लेकिन सोयाबीन से हम सभी इसको बना सकते हैं क्योंकि ये इजीली मिल जाती है। यहाँ पर मसाले के लिए मैंने ले लिया है 2 टीस्पून जीरा, साथ में मैं ले रही हूँ 3 हरी मिर्च और 8 से 10 कलियाँ मैंने लहसुन की ले ली हैं। इनको दरदरा हमने पीस लेना है। ये देखिए मैंने दरदरा इसको मिक्सी में चलाकर पीस लिया है। अब इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर आधा टीस्पून। अब थोड़ा सा पानी इसमें डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मिक्स कर लेते हैं। मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब हमें और कोई मसाला नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप हींग डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। साथ में मैंने ले लिए हैं 3 से 4 टमाटर। उनको मैंने प्यूरी बना के रख लिया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं हमेशा डालती हूँ टमाटर। यहाँ पर मैंने लोहे की कढ़ाई ले ली है और चुड़कानी का टेस्ट तो लोहे की कढ़ाई में आएगा। यहाँ पर हम रख देंगे 1 टेबलस्पून सरसों का तेल। ये ध्यान रहे कि तेल गर्म हो तो हमें फ्लेम को लो पर कर देना है। बस अब हम इसमें डाल देंगे सोयाबीन और इनको लगातार चलाते हुए भूनेंगे। लो फ्लेम में भूनने से ये जलेंगे नहीं। अब इनको चलाते रहेंगे। इनमें से कुछ ही देर में चटकने की आवाज आने लगेगी। लाइट ब्राउन होने तक हम इनको भून लेते हैं। ये देखिए इनमें खुशबू भी आने लगी है। अब ये देखिए ये चटकने की आवाज आने लगी है और चटकने भी लगे हैं ये। बस अब थोड़ी ही देर में ये भून जाएंगे। बस अब हल्के ब्राउन हो गए हैं तो मतलब ये भुन गए हैं, और चटकने की लगातार आवाज आए तो ये तैयार हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 4 टीस्पून आटा। अब इसको भी हमने 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है। बहुत ज्यादा नहीं भूनेंगे। बस जैसे ये भुनेगा तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बस अब 1-2 मिनट हो गए हैं, ये अच्छे से भुनने लगा है। ये देखिए अब हम इसको गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में हम 1 टेबलस्पून ऑयल रख देंगे। गरम होने पर 1 टीस्पून मैंने जीरा डाल दिया है इसमें। अब ये जो मसाला बना के रखा था उसको डाल देते हैं और इसको भून लेंगे। इसको 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। हमने इतना भूनना है कि इससे इसका कच्चापन ना रहे। बहुत ज़्यादा सुखाना नहीं है मसाले को हमने। बस 3 से 4 मिनट हो गए हैं, देखिए मसाला भुन गया है। अब जो टमाटर की प्यूरी बना के रखी थी वो मैं इसमें डाल देती हूँ। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको भी 3 से 4 मिनट तक हम भून लेंगे। ये देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है। अब इसमें अपने स्वाद के हिसाब से हम डाल देंगे नमक। तो ये नमक डाल रही हूँ मैं। नमक कम ज्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। अब इसको 1 मिनट के लिए हम और चलाकर भून लेते हैं। अब ये मसाला हमारा रेडी है। अब इसमें भुने हुए सोयाबीन हम डाल देंगे। ये डाल दिए हैं मैंने। बस एक बार अब इसको भी चला लेते हैं और पानी हम एकदम तैयार रखेंगे इसमें डालने के लिए। अब धीरे से हम इसमें पानी डाल देंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना हो। अब थोड़ा सा पानी मैं इसमें और ऐड कर देती हूँ। अब गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और इसे लगातार चलाते हुए हमने 10 से 15 मिनट तक बॉईल करना है।
ये देखिए अब इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। ये 10 से 15 मिनट तक जब उबलेगी तो इसमें इसके दाने सॉफ्ट होने लगेंगे। अब उबलते हुए इसे 10 से 15 मिनट हो गए हैं, ये देखिए अच्छे से बन गई है ये। अब यहाँ चुड़कानी हमारी अच्छे से बन गई है। अब इसमें हम हरा धनिया डालेंगे कटा हुआ, और इसको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि टेस्ट आता है इससे बहुत अच्छा। तो ये हमने डाल दिया हरा धनिया। अब इसको भी एक बार चला लेंगे हम, बस ऐसे इसको चला लेते हैं। तो ये तो हमारी सोयाबीन की चुड़कानी बिल्कुल तैयार हो गई है। इसी के साथ हम बना लेंगे भात। अब यहाँ पर हमने खाने के लिए प्लेट तैयार कर ली है। इसी के साथ हम रख देंगे इसमें मूली का टपकिया, यानी कि मूली का सलाद, और प्याज कटा हुआ, बहुत ही टेस्टी लगता है इसके साथ। तो ये मूली रख दी है मैंने, साथ में मैं कटा हुआ प्याज रख देती हूँ। तो एक बहुत ही अच्छा टेस्टी पहाड़ी लंच बनकर तैयार हो गया है। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर जरूर बनाना। इससे पहले मास का चेंस और पहाड़ी डेजर्ट सह कई रेसिपी भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।